नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी RRB JEE 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरे सिलेबस के क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे और 2015 में जो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आए हैं उसका पेपर भी दिखाएंगे। और आइए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमारे इस RRB JEE में होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, RRB JEE का सिलेबस 2019 का क्या है उसको हम देखते हैं। उससे पहले जो हमारी फॉर्म सबमिशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 2/1/2019 और जो हमारा अंतिम डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो है 31/1/2019 रात को 12 बजे। दोस्तों, सिलेबस हमारा जो मेंशन किया गया है रेलवे के अकॉर्डिंग वो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा और टेक्निकल एबिलिटी आएगी। दोस्तों, टेक्निकल एबिलिटी के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल एबिलिटी में दोस्तों हमारा क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 90 क्वेश्चन बनेंगे और इन तीनों सेगमेंट से हमारे 60 क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, रेलवे ने जो टोटल पोस्ट बताई है वो है 14,033 जो कि जोन वाइज अलग अलग होने वाली हैं। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की उसमें पोस्ट है 13,034, इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे इंक्लूड होंगे। और जूनियर इंजीनियर IT कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 49 पोस्ट रेलवे ने बताई है। और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS की जो है 456 पोस्ट है और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की 494 पोस्ट है। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ही क्योरी आई कि क्या सर इसमें एलिजिबल हैं जो लड़के अभी पास आउट नहीं हुए हैं डिप्लोमा या डिग्री में, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे के अकॉर्डिंग वही लड़के इस पेपर को दे सकते हैं जो कि डिग्री या डिप्लोमा ले चुके हैं। अब आइए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। रेलवे अभी तक हमारा एक स्टेज में पेपर कराता था, लेकिन लड़कों की अधिक संख्या होने के कारण, जैसे कि आपने LP में देखा, रेलवे ने 2 स्टेज CVT कराया, तो यहाँ भी आपके 2 स्टेज CVT होने के चांसेस अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हैं। अब आगे अगर रेलवे किसी प्रकार का कोई चेंज करता है तो आप सबसे पहले उसको हमारे चैनल पर देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। दोस्तों, जो हमारा रेलवे पेपर कंडक्ट कराने जा रहा है वो पहले हुआ करता था 100 नंबर का, लेकिन इस बार दोस्तों ये 150 नंबर का, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दोस्तों, और रेलवे ने उसके साथ ही साथ 1/3 निगेटिव मार्किंग की है जैसा कि आप LP में देख चुके हैं। और दोस्तों, जो टोटल ड्यूरेशन होगी पेपर की वो 120 मिनट की होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके जो पेपर होंगे दोस्तों ये सेम क्वेश्चन पेपर होंगे इनके। मतलब सभी के ट्रेड से, सभी के एग्ज़ाम में, सभी के पेपर में, सभी के ट्रेड से क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर हम बात करें तो इन सभी ट्रेड में से किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है मैकेनिकल और सिविल। मैकेनिकल से आपके दोस्तों 10 से 14 क्वेश्चन आने के एस्पेक्ट हैं और इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी रहेगा, जिसमें हमारे 90 क्वेश्चन का टोटल 90 क्वेश्चन में दोस्तों टेक्निकल सब्जेक्ट भी रहेंगे आपके और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी रहेंगे। अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में कौन सब्जेक्ट आएंगे, टेक्निकल में कौन से आएंगे, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा दोस्तों इसमें वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहेगा। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों हमारे 10 से 14 क्वेश्चन आएंगे और सिविल इंजीनियरिंग में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों इसकी हमने एनालिसिस की है, 2015 और 2012 के पेपरों को उठाकर हमने इस पूरे एनालिसिस के बाद आपको ये डाटा दिया है। अभी हम आपको पेपर भी दिखाएंगे दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। अब दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रिकल से 3 से 4 क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस में MS Excel, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और भी जो डॉक कंप्यूटर होते हैं, सॉफ्ट की क्या होती है, इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन
कंप्यूटर से बनेंगे। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर का सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो कंप्यूटर की वीडियो आपको हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप लोगों ने सेमेस्टर में मैकेनिकल वालों ने अच्छे से पढ़ी होगी और सिविल वाले लोगों ने भी पढ़ी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये थोड़ा सा टफ सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन आपको आसानी से डील करने होंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन, ये जो आपके दो सेगमेंट हैं, ये आपके एग्जाम में एक अच्छा वेटेज लेकर आते हैं, और ये क्वेश्चन जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उसके मार्क्स अन्य के अपेक्षा उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट हैं इसको आप धीरे धीरे पढ़ के कवर भी कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों सेगमेंट में आपको बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सारी PDF सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर दोस्तों मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, चूंकि हम रेलवे बोर्ड में भर्ती होने जा रहे हैं तो रेलवे में हमसे मेजरमेंट भी कराना होगा। JEE की पोस्ट पे आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मेजरमेंट भी करेंगे, और मेजरमेंट करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो रेलवे ने जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का वेटेज हर साल दिया है क्वेश्चन पेपर में, वो 5 से 6 क्वेश्चन का रहता है। इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करेंगे, सभी आपको एक वीडियो, दो वीडियो लेक्चर के दौरान JRV स्टडी आपको प्रोवाइड कराएगा। फिर दोस्तों जो हमारा 8वां टॉपिक इसमें है, इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी में हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि LPCVT 2 में इन्वायरमेंटल स्टडी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन भी अपने आप से डिस्कस करें, और कोशिश ये रहेगी कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में LPCVT 2 के लिए पहले प्रोवाइड करा दिए जाएँ। RRB JEE में जो इसका वेटेज है वो 5 क्वेश्चन का है। हमारे रोहित सर आपको इन्वायरमेंटल स्टडी के 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। अब दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे 7 क्वेश्चन आने की संभावना है, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन, बायोलॉजी का वेटेज दोस्तों बढ़ चुका है, तो यहाँ आप 8 से 10 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑनलाइन एवरेज देखें तो हमारा 14 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 10, 8, 6, 5, 7, 7, 8। तो ये जो हमारा दोस्तों बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्निकल का जो टोटल वेटेज होगा दोस्तों, वो हमारा 90 क्वेश्चंस का होने वाला है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। दोस्तों जो रेलवे का एग्जामिनेशन होगा वो अगर संभावित डेट देखा जाए तो इलेक्शन के पड़ने की वजह से रेलवे का एग्जाम मई तक पोस्टपोन होने की संभावना है। अप्रैल या मई में हमारा रेलवे अपना फर्स्ट स्टेज CVT कंडक्ट कराएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे लगातार, आपको सभी वीडियो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। दोस्तों हमने RRB के मद्देनजर रखते हुए आपका सिलेबस जल्दी खत्म कराने के लिए रीजनिंग और टेक्निकल क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके रीजनिंग और टेक्निकल के क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आप अन्य लोगों की अपेक्षा 2 कदम आगे बढ़ें। अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में मैथ और करंट अफेयर अपना अपना वेटेज लेते हुए हैं। मैथ अपने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के साथ आपके साथ रहेगा। मैथ के 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। GK के 15 से 20 क्वेश्चन मिले हैं, रेलवे से रिलेटेड, रेलवे के बजट से रिलेटेड, और कौन कौन सी रेलवे हमारी चालू की गई हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रियल हमारी इंडस्ट्री लग रही हैं, कौन सी कोच फैक्ट्री है हमारी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो रेलवे से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि पिछले अगर सेगमेंट की बात की जाए तो 2012 और 15 के एनालिसिस करने से हमें यह पता चला कि 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में मिले। अब दोस्तों करंट अफेयर की बात की जाए तो अभी तक तो करंट अफेयर का वेटेज, जो पिछले पेपर्स की बात की जाए तो उनमें करंट अफेयर का वेटेज 5 क्वेश्चन का था, लेकिन अब अगर बात की जाए तो करंट अफेयर का वेटेज बढ़ भी सकता है। जो हमारे GK में टॉपिक होंगे दोस्तों वो हमारे होंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका सभी GK के टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। करंट अफेयर की वीडियो जल्द ही हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करा देंगे, और करंट अफेयर के साथ साथ GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उस वीडियो में गगन पचौरी सर प्रोवाइड कराएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज होगा। टोटल जो हमारा ये नॉन टेक्निकल का सेगमेंट है दोस्तों, ये अपने आप में 60 क्वेश्चन का सेगमेंट बनेगा। टोटल नंबर हमारे यहाँ से 60 क्वेश्चन बनेंगे। ये जो सेगमेंट है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो लड़का क्वालिफाई करता है वो यहाँ से 60 में से 50 क्वेश्चन लाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे
तो मैथ के जल्द ही लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मैथ के लेक्चर में आपको ऐसी सी ट्रिक्स बताई जाएंगी और किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चन के साथ आपको बताया जाएगा मैथ, उन क्वेश्चन के साथ आपको रीजनिंग बताई जाएगी, रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चन जीके में पहले आते थे, किस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको जीआरबी स्टडी प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। अब जो रेलवे हमारा जो पे कमीशन देने जा रहा है वो आपको 7th पे कमीशन मिलेगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग। फिर जब आप रेलवे में 1-8 साल की नौकरी कर लेंगे तो आपका लेवल 7 हो जाएगा और आपकी वेतन बढ़ जाएगा। तो वेतनमान जो अभी रेलवे का है वो 35,400 है। इसके अलावा दोस्तों HR TA DA आपको सब कुछ मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस जो रेलवे का है वो 8 रुपये पर किलोमीटर है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगर 2015 के कट ऑफ की, तो दोस्तों आप जानते हैं कट ऑफ वाइज जोन वाइज निकलती है, लेकिन हमने ऑन एन एवरेज एक कट ऑफ आपके लिए एनालिसिस की है जो हमने अजमेर, अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद, गोरखपुर के एनालिसिस करने के बाद हमने ऑन एन एवरेज एक कट ऑफ निकाला। जो कट ऑफ हमारा जनरल का पिछले साल का था 15 का, वो हमारा 80 से 85 क्वेश्चन का था दोस्तों। OBC का जो था दोस्तों वो 76 से 80 का था। SC ST का जो था दोस्तों SC का 68 से 72 था और ST कैंडिडेट्स का जो था दोस्तों वो हमारा 64 से 70 था। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे वीडियो में आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी रेलवे ने दी है और आप इसको यूटिलाइज करें। हमारे जो दोस्त अभी अपीयरिंग में हैं उनके लिए जरूर एक ये बुरी खबर है, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं वो इस मौके को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आती है और अगर आप अपॉर्चुनिटी को भुनाने में सक्षम नहीं हुए तो दोस्तों वही कहावत लागू हो जाएगी, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब आपको हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, पेपर दिखाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, आपको जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे में किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप क्वेश्चन आए हैं वो सभी आपको दोस्तों कराए जाएंगे हमारे चैनल पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर पिछले साल का दोस्तों। ये रहा दोस्तों RRB 2015 क्वेश्चन। अगर इसमें हम देखें दोस्तों तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मिलेगा रीजनिंग का। रीजनिंग में दोस्तों क्वेश्चन मिला हमको कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, जो आपके रीजनिंग के टीचर रोहित सर हैं वो जल्द ही आपकी ब्लड रिलेशन क्लास लेने वाले हैं। फिर दोस्तों नंबर सीरीज क्वेश्चन, तो वो सभी आपकी नंबर सीरीज, आपके पूरा रीजनिंग का सिलेबस जल्द से जल्द 30 से 35 दिनों के अंदर रीजनिंग स्पेशल की हमने पूरी सीरीज चालू की है, उसमें आपको कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें दोस्तों तो आपके फार्मूला बेस्ड, देखिए इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, इसमें कौन से पैरेलल सीरीज है या आपकी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हैं। इसमें आपको रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकालना है, तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों इनकी हम चर्चा करेंगे और आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कराएंगे दोस्तों। फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये हैं। फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए आपके क्वेश्चन आए हैं, जैसे किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं कि देखिए अशोका हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए काफ़ी दोस्तों बनते हैं, जैसा कि हमने बात किया था आपसे दोस्तों हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री की पूरी वीडियो आपको दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन आपका बना है मिराज जो कि हमारा होता है, मिराज हमारे डिजर्ट्स में मिलता है, हमको देखने पर हमको मिलता है पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कांड, पूरा आंतरिक परावर्तन कांड हमको मिराज दिखाई देता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम दोस्तों करेंगे सेगमेंट में अपने GRB स्टडी चैनल में, तो आप हमारे साथ जुड़ें। आपको दोस्तों हम दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्रेड संबंधी। देखिए दोस्तों हम आपसे बात करें अगर मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में बहुत से अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि टॉम का दोस्तों, टॉम और अगर FM का वेटेज देखा जाए, टॉम MD FM का वेटेज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होने वाला है दोस्तों आपके एग्जाम में। टॉम से करीब दोस्तों अगर हमने एनालिसिस की है तो टॉम से क्वेश्चन दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमको, 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों हमको देखने के लिए मिले हैं टॉम से। तो टॉम के क्वेश्चन आप देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, सिंपल मैकेनिक से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं टॉम के, थ्योरी ऑफ मशीन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इन सब क्वेश्चंस की PDF और किस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसान ट्रिक क्या होती है, ये सब दोस्तों आपको सिखाया जाएगा। खासकर जो हमारे दोस्त सिविल और इलेक्ट्रिकल से हैं वो हमारे साथ जुड़े ताकि उनको मैकेनिकल की अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए। अब इसी बात के साथ दोस्तों हम आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन अलविदा कहने से पहले एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे कि हमने आपके लिए RRB JEE की LPCVT 2 की सीरीज चालू कर दी थी दोस्तों। हमने अपने GRB स्टडी चैनल पे बहुत सी वीडियो डाल दी हैं रीजनिंग की, टेक्निकल की, तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को सब्सक्राइब करें और उनको बताएं कि आप यहाँ से पढ़ें और उनको भी फ़ायदा हो, ताकि दोस्तों और
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।